हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प से हम लोग किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्यों निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि जो भी चार कॉरिलेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से किसी बायो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट मेथड क्यों है। फिर हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूट को या सॉल्यूशन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में रखें तो क्या इफेक्ट होता है, और उसके लिए मैंने आपसे आरबीसी लिया था। मैंने कहा था कि मान लीजिए ये एक आरबीसी का सेल है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, और ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स का कंसंट्रेशन 0.9% NaCl का जो कंसंट्रेशन होता है उसी के बराबर होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सैलाइन वाटर, नॉर्मल सैलाइन वाटर होता है जिसका कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम होता है, उससे आरबीसी आइसोटोनिक होता है। ठीक, अब इस आरबीसी को आपने एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसका कंसंट्रेशन भी 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि आरबीसी के कंसंट्रेशन के बराबर है, तो ये आरबीसी या ये सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक हो जाएंगे। और आइसोटोनिक हो गए इसका मतलब कि आरबीसी सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बाहर वाले सॉल्यूशन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो इस सॉल्यूशन में आरबीसी सेल को रखने पे वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना ही वाटर आरबीसी से सॉल्यूशन में जाएगा और ना ही वाटर सॉल्यूशन से आरबीसी में जाएगा, तो इस केस में ऑस्मोसिस नहीं होगी, नो ऑस्मोसिस। ठीक है, फिर अगले केस में हमने इसी आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसका कंसंट्रेशन, जो आरबीसी का कंसंट्रेशन है या जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा है। जैसे मान लीजिए हमने एक आरबीसी सेल लिया, और इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सॉल्यूशन से, इस एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सॉल्यूशन से ज्यादा है। ठीक है, तो इस आरबीसी के रिस्पेक्ट में, इस आरबीसी सेल के रिस्पेक्ट में जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये है हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बेटा? हाइपर माने ज्यादा। तो जो सॉल्यूशन आपने लिया है आरबीसी के रेफरेंस में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन में जो आपने सॉल्यूशन लिया है इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, यानी कि बाहर वाले सेल में
बाहर वाले सॉल्यूशन में H2O सॉल्वेंट है, लेस है, और अंदर H2O ज्यादा है। ठीक, जो मूवमेंट होता है वाटर का हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में अगर आरबीसी को रखा तो अब आरबीसी के अंदर वाटर ज्यादा होगा और ये ज्यादा वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा और बाहर निकल रहा है, सेल से बाहर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सऑस्मोसिस। एक्स माने बाहर। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल आरबीसी सेल से सॉल्यूशन में जाएगा और कब तक जाएगा, जब तक कि इस एक्सटर्नल सॉल्यूशन और आरबीसी के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो। ठीक, अब मान लीजिए कि सॉल्यूशन जाता है, वाटर आरबीसी से बाहर निकलता रहेगा, तो आरबीसी के अंदर वाटर क्या होगा, कम होता जाएगा, तो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है वाटर के लॉस के वजह से ये सिकुड़ती जाएगी और अल्टीमेटली ये आरबीसी सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्या निकला कि अगर किसी सेल को हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल से वाटर बाहर की तरफ आएगा, सॉल्यूशन में आएगा, प्रोसेस का नाम होगा एक्सऑस्मोसिस, और रिजल्ट क्या होगा, ये सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि इसी आरबीसी को आपने आरबीसी लिया या कोई सेल लिया जिसका कंसंट्रेशन 0.9 है, अब बाहर का कंसंट्रेशन आपने कम कर दिया 0.9 से, कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन में वाटर क्या है, ज्यादा है, और अंदर वाले आरबीसी वाले या सेल में वाटर क्या है, लेस है। फिर वही प्रोसेस, वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, अब सॉल्यूशन से वाटर सेल के अंदर जाएगा, अंदर जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, कंसंट्रेशन कम है तो ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन इस रेफरेंस के या आरबीसी के रेफरेंस में कहलाएगा हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मूवमेंट सॉल्यूशन से इनटू सेल हो रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, प्रोसेस का नाम होगा एंडऑस्मोसिस, और कंटिन्यूअस ये वाटर का फ्लो इनसाइड होगा, तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा, और वाटर के अंदर जाने की वजह से ये आरबीसी अब क्या होगी, फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, और मान लीजिए ये प्रोसेस को आपने कंटिन्यू रखा, होता गया, तो एक टाइम के बाद ये आरबीसी क्या, ब्रस्ट कर जाएगी। ठीक है, क्या समझे कि अगर किसी सेल को हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, इंड ऑस्मोसिस होगा, सेल स्वेल करेगा और अल्टीमेटली ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे किसी सेल को हाइपोटॉनिक, आइसोटॉनिक और हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होगा, सेल श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा, कुछ नहीं होगा, एंडोऑस्मोसिस होगी, एक्सऑस्मोसिस होगी, तो इस बेसिस पे आप उसको क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक लास्ट टर्म हमको पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। नाम से ही पता चला बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा। ठीक है, और इसको बोलते हैं आर ओ, सबके घरों में लगा होगा आर ओ मशीन,
ठीक है, होता क्या रिवर्स ऑस्मोसिस समझो, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि एक ट्यूब में हमने प्योर सॉल्वेंट, मान लीजिए इधर हमने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, इधर हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया, यहां पे हमने SPM लगा दिया, ठीक, इस जगह पे हमने एक पिस्टन लगा दिया जिससे कि हम इसके ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं। अभी मान लीजिए कि ये पिस्टन का प्रेशर जो है वो जीरो है, ठीक है, जैसे ही आपने ये अरेंजमेंट किया कि एक तरफ सॉल्यूशन लिया, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया, SPM से सेपरेट किया, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, एक प्योर सॉल्वेंट है एक सॉल्यूशन है, SPM से सेपरेट किया, ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है, ऑस्मोसिस शुरू होगी तो प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, तो ये तो हो गया ऑस्मोसिस, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना थ्रू SPM कहलाता है ऑस्मोसिस, ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस चल रहा है। हमने आपसे ये कहा था कि इस ऑस्मोसिस को आप रोक सकते हो, कैसे रोक सकते हो, यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो इस एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर कर दो तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है तो नो ऑस्मोसिस या प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, कि अगर आपने हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया और इस एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर रखा तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर आपने इस एक्सटर्नल प्रेशर को पी एक्सटर्नल जो है इसको ज्यादा कर दो ऑस्मोटिक प्रेशर से, शुरुआत में कोई प्रेशर नहीं था, ऑस्मोसिस हो रहा था, आपने प्रेशर लगा के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगा के ऑस्मोसिस को रोक दिया। अब क्या करेंगे, इस प्रेशर को बढ़ा देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा कर देंगे तो अब क्या होगा, अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब कि नॉर्मल जब ऑस्मोसिस हो रहा था तो सॉल्वेंट अपने हायर से लोअर को मूव कर रहा था या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा था या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिया तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब कि अब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा या सॉल्यूशन से
प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा और ये डायरेक्शन ऑस्मोसिस का रिवर्स है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग आप बोलेंगे कि ये हो रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसटीएम व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू एसटीएम व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर और ये रिवर्स हो रहा है, इसीलिए प्रोसेस का नाम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इस रिवर्स ऑस्मोसिस का डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। एक तो इसका यूज है आरओ मशीन जो हमारे घरों में लगा होता है प्यूरिफिकेशन के लिए, और एक्चुअल में वो प्यूरिफिकेशन क्या करता है आपने सुना होगा टीडीएस। आपके वहाँ जब कोई आरओ लगाने वाला आता है तो सबसे पहले वो आपके वहाँ के वाटर का टीडीएस चेक करता है, टीडीएस वैल्यू, टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। ठीक है, तो उसमें कितने सॉल्यूट हैं। अब टीडीएस वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है तो आपको डराता है कि पानी उतना ख़राब है, होनी चाहिए 100 से 150 के बीच में, और वो बताता है कि 1500 है 1700 है, ये नुकसान होगा वो नुकसान होगा, तुरंत आप आरो लगा देते हैं और फिर वो उसमें से जो साल्ट होते हैं उनको फिल्टर करके अलग कर देता है। ठीक है, तो कैसे करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी से साल्ट को अलग करना, और डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर आज के डेट में ढेर सारी कंट्रीज करती हैं, क्योंकि आपको पता है समुद्र का पानी, सी का वाटर पीने योग्य नहीं होता है, तो उस सी वाटर से आप प्योर वाटर या ड्रिंकेबल वाटर निकालते हैं और उस प्रोसेस में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है। कैसे, एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्लांट होता है और ये प्लांट कुछ इस तरह से अरेंज होता है, एक तरफ इसमें सी वाटर होता है और एक तरफ आप प्योर वाटर लेते हैं और इन दोनों को आप एसटीएम से सेपरेट कर देते हैं, एसटीएम से। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि प्योर वाटर सी वाटर की तरफ मूव करेगा, लेकिन आपने क्या किया कि यहाँ पे एक पिस्टन लगा के और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जिसको हम लोग अब तक बोलते आए हैं एक्सटर्नल प्रेशर, और अगर इस एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू आपने ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है उससे ज़्यादा कर दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा, और रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा तो अब ये वाटर के मॉलिक्यूल सी वाटर से प्योर वाटर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, सी वाटर से जो साल्ट है वो यहीं बना रह जाएगा और प्योर वाटर यहाँ से एसपीएम के थ्रू फिल्टर होते होते प्योर वाटर वाले टैंक में आएगा और इस टैंक से ऐसे बाहर निकलेगा और फिर आप इस वाटर को कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और ये प्योर वाटर होता है, पीने योग्य वाटर होता है। सेम यही
टेक्निक काम करता है अपना आरओ मशीन से। ठीक, तो आप रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इसका मतलब यह हुआ कि सी वाटर से आप ड्रिंकेबल या प्योर वाटर निकाल लेते हैं, कैसे? रिवर्स ऑस्मोसिस, ये इसका एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्मोसिस का हमारे डेली लाइफ में और भी कई यूज हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो मीट होता है, किसी भी एनिमल का जो मीट होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, कई दिनों तक रखने के लिए उसके ऊपर साल्ट का गाढ़ा लेप लगा देते हैं, साल्टिंग की जाती है। साल्टिंग करने से क्या होता है कि सपोज करो ये कोई मीट का टुकड़ा है, ठीक है, खराब क्यों होता है? क्योंकि इस पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है और इस मीट का डीके शुरू हो जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ और इस मीट के डीके के वजह से ये मीट खराब हो जाता है। अब इस पे आप क्या करते हो कि साल्ट का, कंसंट्रेटेड साल्ट का सॉल्यूशन का इस पे लेप लगा देते हो। ठीक है, तो मीट के सरफेस पे साल्ट नमक का एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और इस पे सपोज करो कोई बैक्टीरिया अगर अटैक करता है तो मीट के सरफेस पे साल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उतना कंसंट्रेशन बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं है, तो बैक्टीरिया से वाटर बाहर निकलेगा, एक्स ऑस्मोसिस होगा और ये बैक्टीरिया डिहाइड्रेट हो जाएगा, इसके अंदर का पानी का लॉस हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और इस तरह से इस बैक्टीरिया का जो डीके इफेक्ट इस मीट के ऊपर था वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम लोग फ्रूट के ऊपर शुगर का लेप लगा के उसको प्रिजर्व करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। आप लोग बायो में पढ़ते होंगे कि एसेंट ऑफ सेल जो रूट के थ्रू वाटर फ्लो होता है वो भी ऑस्मोसिस से पे ही डिपेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें थी रिलेटेड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसके बाद हमको नेक्स्ट टॉपिक जो करना है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या इसी को आप बोल सकते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो नाम से ही पता चला एबनॉर्मल, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल। मॉलिक्यूलर मास, हमने आपसे कहा था बेटा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं इनका यूज किसी अननोन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब जैसे मान लो, सपोज करो कि हमको ग्लूकोज, अभी तो हमको ग्लूकोज के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ग्लूकोज का हमको मॉलिक्यूलर मास पता करना है विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगा के कैलकुलेशन करेंगे और इसका कुछ मॉलिक्यूलर मास आएगा। दूसरा, ग्लूकोज का आपको फार्मूला पता है C6H12O6, और आज के डेट में इस फार्मूले से अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो 180 आएगा। तो फार्मूले के हिसाब से जो आ रहा है वो 180 है, ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। और अगर आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से कैलकुलेट किया वो 180 से ज्यादा आ गया या कम हो गया तो ये कहलाएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब क्या है देखो, जब समझते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किस कंडीशन में आता है, और अगर आ जाता है तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से क्या हम मॉलिक्यूलर मास
नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। हमने कहा था कि बेटा जितनी भी सीपी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि क्या था, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये होता है पी नॉट माइनस पी अपन पी, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। अब स्पेसिफाई करें तो ये सॉल्यूट पार्टिकल या तो मॉलिक्यूल होगा, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किसके केस में होगा, जहां पे कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन में जाके आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो उसके केस में डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। और फिर यहीं पे हमने ये भी देखा था कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सीपी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वन अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। किसी गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उससे रिलेटेड सीपी की वैल्यू उतनी कम होगी। अगर आपने कंपेयर करना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूट ए है, कोई सॉल्यूट बी है, इसका भी x ग्राम लिया, इसका भी x ग्राम लिया, इसका मॉलिक्यूलर मास m है, इसका मॉलिक्यूलर मास 2m है, मॉलिक्यूलर मास डबल हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो जाएंगे। तो इसका अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी x या a आ रहा है तो इसका कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। वेट आपने कांस्टेंट रख लिया तो सीपी आ गया वन अपॉन मोलर मास, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, अब आगे देखो बेटा। मेन बात क्या हुई कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। अब हम क्या करें, जैसे हमने एक मोल ग्लूकोज लिया, एक मोल NaCl लिया, ठीक है, और एक मोल MgCl2 लिया। इन तीनों को आपने वाटर में मिलाया, पहले केस में जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो ग्लूकोज वाटर के अंदर ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, तो एक मोल यानी कि Na पार्टिकल होंगे, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर मास आता है या सीपी आता है वो अगर x है तो x के करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास m है, हम मान के चल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। अब देखो अगर NaCl आपने एक मोल मिलाया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे ही NaCl वाटर में जाएगा आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2Na हो जाएंगे, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो 2x आएगी, और मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो m/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक। अब अगर आपने मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाया है तो मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर में जाते ही एक मैग्नीशियम आयन और दो क्लोराइड आयन, यानी कि कुल
तीन मोल आयंस में या पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा और तीन मोल के करस्पॉन्डिंग इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3x आ जाएगी और मॉलिक्यूलर मास n बाई 3 आ जाएगा। आप ये कह रहे थे बेटा कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। अब आपने तो एक ही मोल लिया था, सब में एक ही मोल लिया था, एक मोल के हिसाब से आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इसकी जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उतनी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकेंड केस में होगी, उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड केस में होगी और उसी के करेस्पॉन्डिंग ये मॉलिक्यूलर मास आएंगे। लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर ये डिसोसिएट हो गया तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी तो अब मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा वो कम होके आएगा। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो एक्चुअल से कम आएगा। आना कितना चाहिए था m, बट आया कितना m बाई 2। तो ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं है, इतना नहीं होता है, जितना होता है नॉर्मल उससे कम आ गया। सिमिलरली अगर कोई ऐसा सब्सटेंस आपने लिया है जो इसके अंदर जाके एसोसिएट कर गया, जैसे मान लो हमने एक मोल एसिटिक एसिड लिया था CH3COOH और इसको हमने बेंजीन में वाटर के बजाय हमने बेंजीन में साफ किया, डिजॉल्व किया, तो एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर जाके डाइमराइज हो जाता है, मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो जैसे ही एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर जाएगा दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो अब यहाँ पे पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे Na/2। Na/2 हो गए तो मॉलिक्यूलर अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी x/2 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 2m। ठीक है, क्या समझ में आया कि अब तक जो कुछ हम लोग पढ़े थे वो सब कुछ तभी वैलिड था, सारे इक्वेशन सारी बातें तब तक वैलिड थी जब तक आपका सॉल्यूट जो था वो वाटर में या सॉल्यूशन में जाने के बाद ना तो डिसोसिएट करता था ना एसोसिएट होता था, ना ही वो आयंस में टूटता था, ना ही उसके दो मॉलिक्यूल मिलके या तीन मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते थे, तब तक के लिए तो ये ठीक था। लेकिन जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट हो जाएगा तो सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिसोसिएशन के केस में बढ़ जाएंगे और एसोसिएशन के केस में कम हो जाएंगे। जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएशन के केस में बढ़ेगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल होनी चाहिए उतना ना हो के उससे बढ़ जाएगा, और जैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल में जो होना चाहिए उतना ना हो के उससे घट के आएगा। ठीक है, ऐसे ही एसोसिएशन के केस में ये आपने एक मोल को मिलाया सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट हुए डाइमराइज हो रहे हैं तो हाफ मोल आपको पार्टिकल मिलेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हाफ हो जाएगी और मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल है उसके डबल होके कैलकुलेशन में आएगा। ठीक है, तो ये होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन शो करता है, ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट या एसोसिएट होंगे। अगर डिसोसिएट हो रहे हैं तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो अब मॉलिक्यूलर मास जो कैलकुलेट होके आएगा वो नॉर्मल से कम होगा और यही जो नॉर्मल से कम होके जो आया है यही कहलाएगा एबनॉर्मल
मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से डील करने के लिए कि अब तो हमारे सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका है उससे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसा सॉल्यूट पार्टिकल है जो डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, उसका तो आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर तो बेकार हो गया। नहीं, बेकार नहीं हुआ। एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था वान हाफ, और वान हाफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, फैक्टर आई, और इन्हीं के नाम पे इस फैक्टर को हम बोलते हैं वांस हाफ फैक्टर, ठीक है, वान हाफ फैक्टर आई, इसको इंट्रोड्यूस किया। और इसके बाद आप उन्हीं फार्मूलों में थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी ऐसे सल्यूट जो सल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट होता है उसका भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब वान हाफ ने ये फैक्टर वान हाफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया तो उसको डिफाइन कैसे किया, आई बराबर होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक। और इसी चीज को और एक्सप्लेन किया कि ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो यह था वन हाफ फैक्टर, ठीक है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। और इसके हेल्प से हम लोग किसी भी सल्यूट का वन हाफ फैक्टर निकाल सकते हैं। और एक बार आपने किसी सल्यूट का वन हाफ फैक्टर निकाल लिया तो फिर इस वन हाफ फैक्टर को आप जो भी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें इंट्रोड्यूस करके उन फार्मूले को थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो। जैसे नॉर्मल केस में हमने क्या पढ़ा था कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये होता है के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है सी आर टी। अब ये चारों फार्मूले आप तब यूज करते थे जब मॉलिक्यूल नाइदर डिसोसिएट और एसोसिएट, जब ना तो वो डिसोसिएट होता था और ना एसोसिएट होता था। अब अगर जो सल्यूट आपने लिया है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट या एसोसिएट होता है
तो इन फार्मूलों में आ जाएगा 1/2 फैक्टर, और अब ये फार्मूले मॉडिफाई होके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना होके क्या हो जाएगा, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अब हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम, सिमिलरली यहाँ पे भी आई आ जाएगा और यहाँ पे भी आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये चारों फार्मूले मॉडिफाइड हो गए और अब ये एक जनरल फार्मूला बन गया। जनरल फार्मूला अगर मॉलिक्यूल नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, तो डिसोसिएशन एसोसिएशन से पहले और बाद नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे तो उसके लिए आई वन हो जाएगा। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो उस केस में आई की वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो आई की वैल्यू भी एक से कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ अप्लाई करेंगे आप जब सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो रहा हो या एसोसिएट हो रहा हो, ठीक है। अब फार्मूला तो बता दिया लेकिन दिक्कत अब ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसी के लिए आई की वैल्यू क्या है, ठीक है भाई। और सब चीज़ से तो हम वाकिफ हैं, ये सब तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आई की वैल्यू क्या रखी जाएगी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमको अब यही सीखना है कि कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आई, और कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आई हम लोग नेक्स्ट टर्म में करेंगे। थैंक यू।